रोमियो अध्याय 7 विवाहित जीवन का दृष्टांत। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के नियमानुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही हे हमारे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। व्यवस्था और पाप। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप ही पाप में ठहरे। मनुष्य का अंतर्दंड। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवा करता हूँ।